हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग स्फीयर को कंटिन्यू करेंगे। स्फीयर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज के टॉपिक में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर्स, रेडिकल प्लेन एंड रेडिकल सेंटर्स, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स और लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण। यदि हमें दो गोलों की इक्वेशन दी है, स्फीयर की इक्वेशन दी है, तो इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, उनके स्पर्श समतलों के बीच का कोण जो है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो दो समतलों के बीच का कोण वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का कोण होता है। इसका मतलब होगा चूंकि गोले के किसी भी बिंदु पर स्पर्श समतल उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत होता है, अतः दो गोलों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके स्पर्श समतलों के बीच का कोण जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल स्फीयर किसे कहते हैं, लंबिक गोले किसे कहते हैं। यदि दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण एक समकोण हो जाए तो ऐसे गोले क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर्स कहलाते हैं। उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उनका 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो गोले क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। मान लीजिए कि आपको ये दो गोले दिए हैं, पहला स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स प्लस टू वी वन वाई प्लस टू डब्ल्यू वन जेड प्लस का डी वन इक्वल टू जीरो, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन है, किसकी, स्फीयर की। ये दोनों एक दूसरे को लंबिक रूप से कब काटेंगे, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑर्थोगोनलिटी की, टू यू वन यू टू, यानी दोनों जो इक्वेशन है अपनी फर्स्ट और सेकंड, इनके दोनों के यू का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो टू यू वन यू टू प्लस टू वी वन वी टू प्लस टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। ये क्या कहलाती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी कहलाती है, लंबिकता का प्रतिबंध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स, दो गोलों का मूल समतल। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिसकी क्षमता दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर हो वो क्या कहलाता है, मूल समतल या रेडिकल प्लेन कहलाता है। मान लीजिए कि अपने पास दो स्फीयर्स का इक्वेशन है एस वन इक्वल टू जीरो और एस टू इक्वल टू जीरो, तो उनका रेडिकल प्लेन क्या होगा, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर्स, तीन गोलों की मूलाक्ष। मान लीजिए कि अपने को तीन स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, इनमें से दो दो को हम लोग क्या कर लें, एक साथ ले लें, इनसे जो अपने को रेडिकल प्लेन मिलता है वो हमेशा एक रेखा में प्रतिच्छेदित करता है और ये रेखा ही क्या कहलाती है, मूलाक्ष कहलाती है, रेडिकल लाइन कहलाती है। मान लीजिए कि स्फीयर के इक्वेशन है एस वन एस टू और एस थ्री, एस वन बराबर जीरो, एस टू बराबर जीरो और एस थ्री बराबर जीरो, इनमें से दो दो को एक साथ ले लें, यानी एस वन और एस टू को साथ लिया तो एस वन माइनस एस टू बराबर जीरो। नेक्स्ट में हम लोग एस टू और एस थ्री को साथ ले लेते हैं तो एस टू माइनस एस थ्री बराबर जीरो। इसी तरह एस थ्री और एस वन को साथ ले लें तो एस थ्री माइनस एस वन बराबर जीरो। इससे हमें तीन मूल समतल मिल गए, रेडिकल प्लेन मिल गए। ये जो तीनों रेडिकल प्लेन हैं, ये तीनों समतल S1 बराबर S2 बराबर S3 इसमें मिलते हैं और ये क्या कहलाती है, तीनों गोलों की मूलाक्ष कहलाती है, इसको हम मूलाक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडिकल सेंटर या मूलाक्ष केंद्र। मान लीजिए कि अब अपने पास स्फीयर की इक्वेशन कितनी है, चार है, चार गोलों की समीकरण है, उनमें से हम क्या करें, तीन तीन स्फीयर की इक्वेशन को एक साथ ले लें, तीन तीन को एक साथ लेके, और इनसे जो अपने को चार मूलाक्ष मिलेंगी ये हमेशा एक बिंदु पर मिलेगी और ये बिंदु क्या कहलाता है, चार गोलों का मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। मान लीजिए कि स्फीयर की इक्वेशन है अपने पास एस वन इक्वल टू जीरो, एस टू इक्वल टू जीरो, एस थ्री इक्वल टू जीरो और एस फोर, चार इक्वेशन हो गई स्फीयर की, इनमें से तीन को एक, तीन तीन ले लेते हैं एक साथ, तो इनसे जो अपने को मूलाक्ष मिलती है वो क्या होगी, एस वन बराबर एस टू बराबर एस थ्री, ये तीन साथ ले लिए। फिर हम क्या करें कि एस वन को छोड़ दें तो एस टू एस थ्री एस फोर ले लें, फिर S2 को छोड़ देते हैं S3 S4 S1 ले लें, फिर S3 को छोड़ देते हैं तो S4 S1 और S2। ये अपने को क्या बन गई, चार अपने पास मूलाक्ष आ गई।
ये चारों मूलाक्ष एक बिंदु S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4 में मिलती है, ये क्या कहलाता है? ये जो अपने पास चार स्फीयर थे उनका मूलाक्ष केंद्र कहलाता है, रेडिकल सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, समाक्ष गोलों का निकाय। तो गोलों का ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसके कोई भी दो सदस्य जो हैं वो गोलों का मूल समतल एक ही हो, कोई भी दो सदस्य हैं वो किस रूप में? गोलों के रूप में, क्योंकि सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है तो उनके मेंबर भी क्या होंगे? स्फीयर ही होंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसके कोई भी दो सदस्य गोलों का मूल समतल है वो एक ही हो, सेम हो, समाक्ष गोलों का निकाय कहलाता है। मान लीजिए अपने पास दो स्फीयर हैं एस वन इक्वल टू जीरो और एस टू इक्वल टू जीरो, तो एस वन प्लस लैम्डा टाइम्स एस टू इक्वल टू जीरो क्या कहलाता है? समाक्ष गोलों का निकाय कहलाता है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु, समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु। तो समाक्ष गोलों के निकाय के शून्य त्रिज्या वाले जो गोले, शून्य त्रिज्या वाले गोले, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? शून्य त्रिज्या वाले गोले उस निकाय के सीमांत बिंदु कहलाते हैं। मान लीजिए कि समाक्ष निकाय के किसी गोले का जो समीकरण है वो क्या है? समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस का डी इक्वल टू जीरो। तो इसका सेंटर क्या होगा? देखिए टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? यू, साइन चेंज कर दें तो माइनस यू। वाई, टू वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जीरो। इसी तरह टू जेड का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो जीरो, इसका अंदर सेंटर हो गया माइनस यू, जीरो जीरो। और इसकी रेडियस क्या होगी? अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस डी। तो सीमांत बिंदु या लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए क्या करना होता है? क्या था डेफिनेशन में? शून्य त्रिज्या वाले गोले, तो क्या करें? इस त्रिज्या को जीरो कर दें, इस रेडियस को जीरो पुट करें, तो अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू जीरो। तो क्या बन जाएगा? दोनों साइड होल स्क्वायर कर लें तो यू स्क्वायर इक्वल टू डी, तो यू इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम के जो सीमांत बिंदुओं के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? इसमें एक तो नंबर हो गया अपने पास प्लस रूट डी और एक हो गया माइनस रूट डी, तो रूट डी जीरो कॉमा जीरो, दूसरा हो गया माइनस रूट डी जीरो कॉमा जीरो। ये क्या कहलाते हैं? सीमांत बिंदु कहलाते हैं। और ये जो सीमांत बिंदु हैं ये वास्तविक भी हो सकते हैं, संपाती भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। कब? यदि डी ग्रेटर देन जीरो हो तो ये सीमांत बिंदु क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यदि डी इक्वल टू जीरो हो तो ये क्या होंगे? संपाती बिंदु होंगे, कॉन्साइड करेंगे। और यदि डी लेस देन जीरो हो तो ये सीमांत बिंदु लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि ये डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है उसको और क्लियर करें। सिद्ध करो कि ये जो अपने को वृत्त दिया है, वृत्त का मतलब क्या होता है? एक गोला और एक समतल जब एक साथ लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो ये गोले का समीकरण है और ये समतल का समीकरण है जेड इक्वल टू जीरो। वो कह रहा है इस वृत्त से गुजरने वाला गोला दूसरे वृत्त, दूसरा वृत्त क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और समतल हो गया वाई इक्वल टू जीरो। इससे गुजरने वाले प्रत्येक गोले को लंबिक रूप से काटता है, यानी पहले वृत्त से गुजरने वाला गोला दूसरे वृत्त से गुजरने वाले गोले को लंबिक रूप से काटता है। इसका मतलब लंबिकता का प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए। तो पहले गोले का इक्वेशन बनाए। तो ये जो वृत्त का समीकरण अपने पास पहला, इसमें देखिए जेड का कोऑर्डिनेट नहीं है। गोला तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों आने चाहिए इक्वेशन में। तो देखिए अपने को क्या दिया है? जेड इक्वल टू जीरो प्लेन दिया है, तो जेड इक्वल टू जीरो इसका अंदर जेड स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो। तो क्या करें कि इसमें जीरो ऐड कर दें, मतलब जेड स्क्वायर ऐड कर दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो और प्लेन क्या है? जेड इक्वल टू जीरो। तो ये जो अपने पास जो इक्वेशन आई है वृत्त की, जिसको कि हमने गोला बनाना है, तो इससे गुजरने वाला गोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस का लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये अपने पास गोले का समीकरण आ गया। अब हम लोग सेकेंड वाले वृत्त की इक्वेशन को चेक करें। सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए इसमें वाई की कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्या करें कि इधर देखते हैं, समतल क्या है अपने पास? प्लेन क्या है? वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू जीरो तो वाई स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो। तो वाई स्क्वायर यानी यहाँ जीरो ऐड कर दिया इसमें, तो वाई स्क्वायर बराबर जीरो है, तो वाई स्क्वायर को ऐड किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर टू। तो इस वाले जो सर्कल से गुजरने वाला स्फीयर क्या होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का म्यू जेड नहीं होगा यहाँ वाई होगा, यहाँ क्या आना चाहिए म्यू वाई, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड वाला जो अपने पास सर्कल है उससे हम लोग स्फीयर का इक्वेशन बना रहे हैं। तो क्या होता है एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा तो हम लोग यहाँ ले चुके, अब हम इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टेंट क्या ले लिया म्यू ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा ये हो गया अपने पास एस, ये हो गया पी प्लेन हो गया, ये स्फीयर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का म्यू वाई इक्वल टू जीरो, ये अपने पास क्या आ गए दोनों गोलों के इक्वेशन आ गए। अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि ये जो गोला पहले वृत्त से जा रहा है वो दूसरे वृत्त से जाने वाले गोले को लंबिक रूप से काटता है। तो इन दोनों गोलों को चेक करें, इस गोले के अंदर अपने पास यू का मान क्या होगा, यू का मान इसमें क्या होगा माइनस ए, सेकेंड वाली इक्वेशन में यू का मान कुछ नहीं है जीरो, फर्स्ट वाली में वी का मान, वी का मतलब टू वाई का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है जीरो, सेकेंड वाले में वाई का कोएफिशिएंट है ही नहीं, है यहाँ पे क्या होना चाहिए था वाई, तो क्या बन जाएगा म्यू बाई टू टू वाई का कोएफिशिएंट। तो ये अपने पास इसमें क्या है वी वन जीरो है तो वी टू का मान क्या है म्यू बाई टू, इसी तरह डब्ल्यू वन टू जेड का कोएफिशिएंट, टू जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा लैम्डा बाई टू, यहाँ टू जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ होगा जीरो। तो अब हम लोग क्या करें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी जब जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी उसको यूज करें, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है टू यू वन यू टू प्लस टू वी वन वी टू प्लस टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। अभी हम लोगों ने ऊपर वाली दोनों गोले की इक्वेशन में हम लोगों ने देखा पहले में यू का मान क्या था माइनस ए, सेकेंड वाले में यू नहीं था जीरो, फर्स्ट वाली में वी क्या वैल्यू क्या था वी वन का जीरो, वी टू का क्या था म्यू बाई टू, इसी तरह फर्स्ट वाली स्फीयर की इक्वेशन में डब्ल्यू वन की वैल्यू लैम्डा बाई टू, सेकेंड वाली में जीरो, और डी वन डी टू कॉन्स्टेंट क्या थे आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी सेटिस्फाई होती है, दोनों साइड क्या आ रहा है जीरो इक्वल जीरो आ रहा है, इसका मतलब लंबिकता का प्रतिबंध संतुष्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने को क्वेश्चन में दो वृत्त दिए थे उनसे गुजरने वाले गोले एक दूसरे को लंबिक रूप से काटते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल टू क्या है, ये जो अपने को दो गोले के इक्वेशन दिए हैं इनसे परिभाषित समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु ज्ञात करने हैं, लिमिटिंग पॉइंट निकालने हैं, कोएक्सियल सिस्टम के लिमिटिंग पॉइंट निकालने हैं। जो अपने को स्फीयर दिए हैं इनसे पहले हम लोग क्या निकालें रेडिकल प्लेन निकालें, तो पहले स्फीयर को मान लेते हैं कि एस वन है, सेकेंड वाले को मान लेते हैं कि एस टू है, तो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, इन दोनों को माइनस करें तो देखिए माइनस करते एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, फोर एक्स माइनस टू एक्स इज टू एक्स, माइनस का टू वाई प्लस का फोर वाई प्लस टू वाई, प्लस का टू जेड फिर प्लस का टू जेड यानी फोर जेड, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो। तो अपने पास रेडिकल प्लेन क्या आ गया टू कॉमन ले लें एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या निकालना है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर निकालना है, समक्ष गोलों का निकाय निकालना है। तो देखिए ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन है जो अभी हम लोगों ने रेडिकल प्लेन निकाला एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू जीरो। तो ये अपने पास स्फीयर, इसको हमने नाम दे दिया एस, ये है एस प्लस लैम्डा, ये हो गया पी, ये हो गया पी यानी प्लेन इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करें कि एक्स के वाई के और जेड के कोफिशेंट जो हैं वो एक जगह इकट्ठे करें ताकि हमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ पता लगें। अब देखिए यहाँ क्या है एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना आता है फोर, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो लैम्डा, तो फोर प्लस लैम्डा। यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है माइनस टू, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा, तो लैम्डा माइनस टू। इसी तरह यहाँ जेड का कोएफिशिएंट क्या है प्लस टू, यहाँ जेड का कोएफिशिएंट क्या है टू लैम्डा, टू प्लस टू लैम्डा। यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है सिक्स, और यहाँ कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा कुछ नहीं है, यहाँ कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो अपने पास कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर हम लोगों ने जो बनाया इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होता है किसी भी स्फीयर का माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। तो यू, यू का मतलब क्या हुआ टू एक्स का कोएफिशिएंट, टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या बनेगा लैम्डा प्लस फोर बाई टू, तो माइनस यू हो जाएगा माइनस का हाफ लैम्डा प्लस फोर। इसी तरह माइनस वी, माइनस वी, माइनस वी क्या बन जाएगा लैम्डा माइनस टू को हम लोगों ने माइनस साइन अंदर ले लिया ब्रैकेट में, तो क्या बन जाएगा टू माइनस लैम्डा अपॉन टू। इसी तरह माइनस डब्ल्यू, टू जेड
टू जेड का कोएफिशिएंट, तो इसमें से टू कॉमन ले आए तो क्या बन जाएगा, वन प्लस लैम्डा, तो माइनस साइन माइनस का लैम्डा प्लस वन। ये क्या आ गया अपने पास, इस स्फीयर का अपने पास सेंटर आ गया। इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होती है स्फीयर की, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। तो देखिए ये यू स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया, वी का स्क्वायर कर दिया, डब्ल्यू का भी स्क्वायर कर दिया और माइनस का डी माइनस का सिक्स। अब हम जानते हैं कि कोएक्सियल सिस्टम में लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से लेके आते हैं हम लोग उसकी रेडियस को जीरो फुट करते हैं। तो अब इस रेडियस को हम लोगों ने जीरो फुट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करें ताकि रूट हट जाए और फोर को कॉमन ले लें एलसीएम लेके और दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, होल स्क्वायर खोल लिया हमने तो लैम्डा स्क्वायर प्लस एट लैम्डा प्लस सिक्सटीन। इसी तरह यहाँ फोर एलसीएम आने के बाद लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर लैम्डा, यहाँ फोर एलसीएम आया था तो ये बन गया फोर टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस वन और माइनस का ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या टर्म बनती है, सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्वेल्व लैम्डा इक्वल टू जीरो। सिक्स कॉमन ले लें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा इज जीरो, अगेन लैम्डा कॉमन लें तो लैम्डा और लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की दो वैल्यूज मिली हमें, एक तो लैम्डा इक्वल टू जीरो और एक लैम्डा इक्वल टू माइनस टू। जब ये दोनों वैल्यू हम लोग सेंटर में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो सेंटर में हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू एक बार जीरो पुट कर दी, ये लैम्डा की वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू जीरो। नेक्स्ट हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू माइनस टू पुट कर दी है, ये लैम्डा की वैल्यू माइनस टू और माइनस टू। तो अपने पास लिमिटिंग पॉइंट क्या आ गए, माइनस टू वन और माइनस वन, और सेकेंड लिमिटिंग पॉइंट आ गया माइनस वन टू और वन। ओके स्टूडेंट्स, स्फीयर का टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेंडर। ओके थैंक्स।